दोस्तों बहुत जल्दी हमें हैमस्टर कॉम्बैट टैप स्वैप एंड मीम फाई का एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए देखने को मिल सकता है। 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग ऐसा समझ लो इन तीनों ही प्रोजेक्ट का हमें यहां पर एयरड्रॉप मिल जाने वाला है और बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा हमें यहां से। सो अगर आप लोग इन सभी एयरड्रॉप को माइन नहीं कर रहे हो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एयरड्रॉप मिलेगा तो आप लोग मुझे ये आके मत बोलना कि अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या, क्योंकि उस टाइम पर ये एंड हो चुका होगा। ठीक है, बाकी और भी काफी सारे यहां पर एयरड्रॉप मैंने शेयर कर चुके हैं जो कि टेलीग्राम के ऊपर रन हो रहे हैं, माइन हो रहे हैं, तो आप लोग जरूर से जाके हमारे चैनल चेकआउट करना। मैंने टॉप 5 टेलीग्राम के माइनिंग बॉट्स भी बताए थे, माइनिंग एयरड्रॉप बताए थे, सो उस वीडियो को जाके देखना, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा एंड काफी कुछ आप लोगों को यहां पर अर्न करने को भी मिलेगा। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहां पर मैं नयन हीरोज का अपडेट बताने वाला हूं। नयन हीरोज के अंदर विड्रॉ यहां पर हमें मिल चुका है, मतलब एयरड्रॉप जो है वो हमें मिल चुका है, देख सकते हो। लेकिन काफी सारे लोगों को यहां पर ना डीमोटिवेशन हो गया, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं कि भाई एयरड्रॉप कम्युनिटी में अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर ज्यादा कुछ खास एयरड्रॉप से प्रॉफिट नहीं हुआ नयन के एयरड्रॉप से। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड मैं यहां पर थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा एंड कैसे यहां पर जो है प्राइस एक्शन वगैरह काम करता है और एयर ड्रॉप कम्युनिटी में आप लोग कैसे ज्यादा ज्यादा पैसा बना सकते हो वो थोड़ा सा बताऊंगा। साथ में हम लोग यहां पर सेंडर लैब्स के फेज 2 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड हुई है जो कि फेज 1 में नहीं थी, एंड साथ के साथ यहां पर और भी कुछ अपडेट्स को लेकर हम बात करेंगे। मैंने आपको बाइनेंस का एक एयर ड्रॉप दिया था जो कि था होलोग्राफ का HLG टोकन का, तो वो भी रिसीव हो चुका है, उसको आपको कैसे चेक करना है वो भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको चेक कैसे करना है कि आपको नैन का जो एयरड्रॉप है वो मिला है कि नहीं, आपके पास कितने टोकन है वो कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको नैन हीरोज का जो क्लेम लिंक है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर दूंगा, क्योंकि यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चीज मैंने देखा है काफी बार लिंक काम ही नहीं करती, यूजर्स को प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग टेलीग्राम पर आ जाना, उस वीडियो के नीचे मैं सारी की सारी लिंक दे दूंगा। सो आप लोग इस लिंक को ना कॉपी कर लेना, क्लेम लिंक को जाके मिसेस ब्राउजर में पेस्ट करना, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा चेक योर एलोकेशन क्लेम नैन टोकन। ठीक है, तो आपको कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है एंड जैसे कि आपको मैंने बताया था यहां पर आपको फैंटम वॉलेट कनेक्ट करना है। ठीक है, नैन हीरोज के अंदर सो आप लोग फैंटम वॉलेट को यहां पर सिंपली कनेक्ट कर लेना एंड अगर आप लोगों ने गलती से सोल फ्लेयर किया था तो आप लोग सोल फ्लेयर यहां पर क्लिक करना एंड आप लोग उसको कनेक्ट कर लेना। फैंटम पे मैं क्लिक करता हूं एंड यहां पर एलोकेशन चेक कर रहा है एंड मेरा देख सकते हो डायरेक्ट इसने बता दिया कि मुझे यहां पर 31.5 नैन टोकन मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट शो नहीं करेगा जब पहली बार करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट पे क्लिक करना, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, देन साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन पे क्लिक करके उस साइन इन जो ट्रांजैक्शन होती है उसको अप्रूव कर देना, देन आपका यहां पर जो एलोकेशन है वो आपको दिख जाएगा। एंड काफी केसेस में मैंने देखा काफी सारे लोगों को यहां पर ना इन एलिजिबल शो हो सकता है, तो आपको क्या करना है इस पेज को यहां से रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि सर्वर काफी ज्यादा यहां पर जो है इनका स्लो चलता है एंड बहुत सारे यूजर्स ने एक साथ क्लेम वगैरह किया, कनेक्ट किया, इसकी वजह से होता रहता है। ठीक है, सो आप लोग जाके चेक कर लेना आपको कितना मिला एंड कमेंट में भी बताना आपको कितने नए टोकन मिले, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी एयरड्रॉप क्लेम पे क्लिक करोगे यहां पर क्लेम का बटन आएगा, तो आप लोग जाके क्लेम कर लेना, फिर से आपको फैंटम वॉलेट में भेज दिया जाएगा जहां पर आप लोगों को चाहिए होगी बहुत मिनिमल सी सोल की फीस। ठीक है, आप सोल के लिए मेरे पास मत आना क्योंकि गाइस मेरे पास सोल नहीं है, मैंने काफी सारे लोगों की हेल्प भी की, हमेशा हेल्प करता हूं बट अभी फिलहाल मेरे पास सोल नहीं है। ठीक है, सो सोल आप लोग कैसे लिख सकते हो कम से कम फीस में, चलो वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये वीडियो मेरी देख सकते हो, नैन हीरोज एयरड्रॉप का मैंने अपडेट दिया था, इसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कैसे आप लोग कम फीस के अंदर सी वॉलेट का यूज करके आप लोग सोलाना डिपॉजिट कर सकते हो अपने फैंटम के अंदर। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर से आप लोग देखना, अच्छे से देखना, समझ लेना। एक बार आप लोग इस वीडियो को टाइम दे देते हो, सिर्फ 22 मिनट की वीडियो है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फ्यूचर में काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि लोग ना यहां पर सीखने पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ पैसा पैसा, उनको पैसा चाहिए, लेकिन जब एयरड्रॉप क्लेम की बारी आती है उनके पास यहां पर सोल डिपॉजिट करने का प्रोसेस ही नहीं पता होता है, अपनी फीस को कैसे बचाना है वो चीज पता ही नहीं होता, सी वॉलेट क्या है, फैंटम वॉलेट क्या है, यहां पर मेटामास्क क्या है, इनको पता ही नहीं होता, तो भाई ऐसे कभी पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपको थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो कि फंडामेंटली वर्क करती है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। बाकी दोस्तों आप जब क्लेम करोगे ना सोल की फीस थोड़ी सी लगेगी, तो आप लोग उसको अप्रूव कर देना, उसके बाद आपका जो नैन टोकन है वो डायरेक्टली आपका पहुंच जाएगा आपके यहां पर फैंटम वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो मैं अपना फैंटम वॉलेट यहां पर आपको ओपन करके दिखा देता हूं। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का यहां पर फैंटम वॉलेट ओपन हो जाएगा एंड आपको यहां पर दिखा देगा आपका नैन हीरोज जो आपका मिला है ना नैन टोकन, वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, मैंने यहां से ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब यहां से विड्रॉल कर लिया, देख सकते हो यहां पर रिसीव हुआ था, ये मुझे एयर ड्रॉप के थ्रू रिसीव हुआ 31.5 नैन। ठीक है, देख सकते हो कल रात में मैंने इसको किया था। ठीक है, एंड यहां पर देख सकते हो मैंने आज की डेट में इसको सेंड भी कर दिया अपने बाइबिट के ऊपर 31.5 नैन। ठीक है, चलो अभी बाइबिट पे ले जाके आपको शो करता हूं। दोस्तों अभी मैं डिपॉजिट हिस्ट्री में आ चुका हूं एंड यहां पर देख सकते हो मैंने नैन को 31.5 नैन को यहां पर सिंपली डिपॉजिट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने यहां पर फैंटम वॉलेट से बाइबिट में ले लेना एंड उसके बाद आप लोगों को चलो मैं दिखाता हूं इसको सेल वगैरह कैसे करना। दोस्तों इसके लिए आपको बाइबिट पे सिंपली यहां पर नीचे ट्रेड पे क्लिक करना है एंड
यहाँ पर आप लोग नैन सर्च कर लेना, नैन यूएसडीटी का पेयर आप लोग सेलेक्ट कर लेना, एंड मैं आपको बोलूंगा इसको लिमिट ऑर्डर लगाना, ठीक है। लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है आपको मैं बताता हूँ। देखो कंप्यूटर पे आप लोग चार्ट देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। तो रेजिस्टेंस जो यहाँ पर इसका हाई गया ना, मतलब कि लोकल हाई एकदम जो टॉप गया ना ऑल टाइम हाई, वो नहीं लगाना है क्योंकि वो इसको रिकवर करने के लिए उतना बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसका जो लोकल हाई होगा ना वो आप लोग ले लेना, ठीक है, कुछ देर पहले का, उसको आप लोग यहाँ पर सिंपली लिमिट ऑर्डर पर लगा देना, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसका जो हाई है वो है 3, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 3.5 है, ठीक है। तो आप लोग ये लगा देना एंड उसके बाद आप लोग इसको सिंपली 100% क्लिक करके नैन को सेल कर सकते हो, ठीक है। सॉरी सेल पे पहले क्लिक करना है, ठीक है। सो 3.5 पे क्लिक यहाँ पर ऑर्डर लगा देना, लिमिट ऑर्डर, देन यहाँ पर आप लोग 100% सेल कर देना, ठीक है। मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा दिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर का लगाया बट ये एक रियलिस्टिक प्राइस है, यहाँ तक यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन जा सकता है क्योंकि यार नैन हीरोज़ का जो यहाँ पर टोकन है नैन टोकन काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है। क्योंकि देखो काफ़ी सारे यहाँ पर जो नॉट कॉइन की भी बात करें, बहुत सारे एयरड्रॉप के जो टोकन होते हैं वो सडनली डंप करते हैं, इसके अंदर भी डंप आया बट इसके अंदर विक लगने के बाद जो इसका प्राइस है वो स्टेबल हो गया थोड़ा, मतलब कंसोलिडेशन फेज में चला गया। और कंसोलिडेशन फेज का मतलब क्या होता है कि उस जगह पे प्राइस जो है सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो, प्राइस देख सकते हो $0.9 तक गया था, ठीक है। तो यहाँ तक भी कल को प्राइस जा सकता है बट ये प्राइस अचीव करने में बहुत टाइम भी लग सकता है। मे बी बुल रन में मिले हमें ये प्राइस और $1 भी क्रॉस कर जाए, बहुत ईजिली हो सकता है क्योंकि सोलाना की इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्ट है, सोलाना पे बेस्ड है एंड गेम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इनका हाइप है, सेम लाइक वैलोरेंट वगैरह ना उस टाइप का इनका गेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ना लोकल कोई टॉप लेना है, जैसे कि ये देख सकते हो लोकल रेजिस्टेंस है, आप लोग यहाँ पर इस पे लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो ये जो प्राइस है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें तो यहाँ पर भी एक लोकल प्राइस आपको लोकल यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हो एंड ये जो प्राइस है वो अचीव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरा जो है पर्सनली मैंने शायद यहाँ पर लगाया था, ये जो लेवल है यहाँ पर मैंने अपना जो है लगाया हुआ है लिमिट ऑर्डर, तो ये कुछ देर के बाद यहाँ पर हिट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सिंपली यहाँ पर करना है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो स्कैम है, इतनी बड़ी कैंडल है और इसके ऊपर इतनी बड़ी वीक है। दोस्तों ये हमें शो करता है, अगर आपको थोड़ा भी प्राइस एक्शन के बारे में पता हो तो इसका मतलब है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। मतलब बायर्स जो है बुल्स जो है उन लोगों ने यहाँ से प्राइस को पंप किया, लोगों ने बाई किया, बाई करके प्राइस को $0.9 तक भी पहुँचा दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एयरड्रॉप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अनलिमिटेड फार्म किया है, अनलिमिटेड मल्टीपल अकाउंट से लोगों ने इसको सेल करना शुरू किया, इस वजह से क्या है बाइंग से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया और प्राइस ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पर से लोगों ने सेल किया इंस्टेंट, जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी विक मिली। तो इसको आप लोग स्कैम मत समझना, हर एक एयरड्रॉप के जो टोकन होते हैं बड़े बड़े, मैं आपको एयरड्रॉप बताऊं जो कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा मार्केट कैप लेके बैठे जो कॉइन, उन लोगों ने जब शुरुआत में एयरड्रॉप किया था उनका भी चार्ट आप लोग जाके देखो ना स्टार्टिंग टाइम पे जब वो लिस्ट हुए थे, तो उनके अंदर भी आपको इतनी बड़ी विक मिलेगी, इवन इससे भी ज़्यादा विक मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग स्कैम मत समझना। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिर भी प्राइस थोड़ा पंप किया अच्छा खासा, 0.4 के आसपास गया, 0.5 के आसपास, एंड उसके बाद देख सकते हो थोड़ा डंप आया क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, सेलिंग किया, एंड उसके बाद देख सकते हो मार्केट जो यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो यहाँ पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर चुका है, मतलब सपोर्ट अच्छा ले चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ से फिर से देख सकते हो पंपिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोग बुल रन के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो ऑफकोर्स आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर आप लोग सेल करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट है, आपका यहाँ पर जो मेहनत है, आपका रिवॉर्ड है वो आपकी ही यहाँ पर जो है, आपका ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट और लॉस रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 90% सेल पे लगा दिया लिमिट ऑर्डर पे, एंड बाकी जो है 10% मैं होल्ड करूंगा, मे बी मुझे बुल रन में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, ठीक है। तो ये एक सेफ साइड है, आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो वीडियो लंबी हो रही है, चलो अभी फटाफट से हम लोग सेंट्रल लैब्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किया था सेंट्रल लैब्स का फेज 2 जो है वो लाइव हो चुका है, तो एयरड्रॉप का मैंने लिंक दिया हुआ ऑलरेडी टेलीग्राम पर, इस वीडियो के लाइव होने के बाद नीचे भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर। सो आप लोग जाके इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी करके आप लोग ना इसको मीसेस ब्राउजर में पेस्ट करके यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना, यहाँ पर कनेक्ट का बटन आएगा तो जाके अपना यहाँ पर ना आप लोग वॉलेट कनेक्ट कर लेना, और कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना है आपको पता होगा, ठीक है। सो आप लोग क्या करना, मेरी पुरानी वीडियो देखना, सेंट्रल वॉलेट आपको कनेक्ट करना है, मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आप लोग ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो जिसके अंदर आपको मैंने बताया था सेंट्रल लैब्स के बारे में, सो आप लोग जाके इस वीडियो को जरूर से देखना, फेज 1 के बारे में आपको मैंने बताया था, बाकी जो प्रोसेस है एक्सटेंशन ऐड करने का, उसके बाद एक्सटेंशन में वॉलेट क्रिएट करने का, उसके बाद एक्सटेंशन को कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर उस वीडियो को देखने के बाद वॉलेट कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद जैसे फेज 1 में था आपको डेली चेक इन करना है, एंड डेली चेक इन करने पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते थे बट आपको शो नहीं होता था कि आपको आज कितना पॉइंट मिलेगा, कल कितना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग चेक करोगे वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, पहले दिन 50 पॉइंट, फिर 75 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, ऐसे करके आप लोगों को सातवें दिन पूरे 300 पॉइंट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये जो है इन लोगों ने सिस्टम रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हुई है, दैट इज़ कैंडी बॉक्स। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है आप लोगों को एक फ्री चांस मिलता है डेली बेसिस पे, जहाँ पर आप लोग कैंडी बॉक्स को ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को कैंडी बॉक्स को ओपन करने के लिए साइन इन करना होगा। तो पहले साइन इन करो, देन आप लोग यहाँ पर कैंडी बॉक्स को जो है ओपन करोगे, इसके अंदर आपको रैंडम पॉइंट्स मिल सकता है, मतलब कि यहाँ पर जो आपको डेली साइन इन पे पॉइंट्स मिलता है उसी हिसाब से कुछ पॉइंट्स मिल सकता है रैंडमली, ठीक है। 50 भी मिल
सकता है, 100 भी मिल सकता है, 1000 भी मिल सकता है। उसके बाद नियर के जो मीम कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि नियर के ऊपर, नियर की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाए गए हैं, तो वो मीम कॉइन बिल्कुल फ्री फोकट में आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड कोई मीम कॉइन आपको मिल जाता है एंड उसका जो प्राइस है वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है, उसकी हाइप आ जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी क्या चला था, सोलाना की मीम कॉइन का हाइप चला था एंड बहुत सारे लोग यहाँ से मिलियनर बन के निकले, ठीक है। लेकिन अगर नियर के यहाँ पर कॉइन्स का, नियर के यहाँ पर मीम कॉइन्स का ट्रेंड चल जाता है एंड आपको फ्री फोकट में ये मीम कॉइन्स मिल रहे हैं, तो भाई बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हो। साथ के साथ आपको नियर टोकन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर देखो मैंने कंप्लीट किया हुआ, यहाँ पर आपको सिंपली कैंडी बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटेड लिखा हुआ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। आज मैंने पहली बार इसको ओपन किया तो मुझे देख सकते हो यहाँ पर इस कॉइन का नाम मॉन्क कॉइन था, ठीक है। सो 1418 कॉइन मुझे मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। और भी काफी सारे नियर के यहाँ पर जो है मीम कॉइन्स है, जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। बाकी आप लोग इनवाइट पे क्लिक करके दोस्तों को इनवाइट करोगे तो काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया, एक फ्रेंड इन्वाइट करोगे तो 100 पॉइंट मिलेगा, 3 फ्रेंड इन्वाइट करोगे तो 500 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से आपको इस बार ना फेस टू में काफी सारी चीजें क्लियर कर दी गई है, ठीक है। सो अच्छा प्रोजेक्ट है, बाइनेंस लैब्स का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है एंड नियर के इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्ट है। नियर के अंदर ये पहला सेंटर लैब्स जो है ये वॉलेट रहने वाला है, एक्सटेंशन वॉलेट रहने वाला है, जो कि काफी अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकता है गाइस, इसको मिस मत करना, ठीक है। जो वीडियो मैंने आपको बताया, जाके पहले उस वीडियो को देखो, लिंक आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, जाके ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे आपको चेक इन करना है, डेली बेसिस पे कैंडी बॉक्स ओपन करना है एंड हो सके तो दोस्तों को इन्वाइट करो, ठीक है। दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके साथ यहाँ पर मैंने एक आपको एयरड्रॉप दिया था होलोग्राफ का, ठीक है, जो कि अभी ओवर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, वेब थ्री में आना, देन डिस्कवर पे आ जाना। डिस्कवर पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ना सिंपली एयरड्रॉप्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक सेकंड चेक करके दिखाता हूँ। एयरड्रॉप्स पे आप लोग जैसे क्लिक करते हो, ऊपर देखो छोटा सा आपको हिस्ट्री का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके रिवॉर्ड जो वो शो हो जाएंगे एंड देख सकते हो होलोग्राफ यहाँ पर हर एक यूजर को आई थिंक 105 होलोग्राफ्स आपको मिल चुके होंगे HLD टोकन, जो कि अभी देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पेंडिंग है, ठीक है। तो जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन हमें यहाँ पर जो है होलोग्राफ के टोकन जो अनलॉक हो जाएंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा, जैसे कि आपको BB टोकन का यहाँ पर मिला था एयरड्रॉप, ठीक है। सो उसी तरीके से आपको मिल जाएगा, काफी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, आप लोग सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ बाइनेंस के और बाइबिट के जो एक्सचेंज एयरड्रॉप होते हैं इसको मिस मत किया करो। और अभी एक एयरड्रॉप चल रहा है जो कि है UXUI लिंक का। सो आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको डेली चेक इन करना है, जिसके बदले टोकन मिलेगा एंड उसी टोकन को यूज करके आप लोग NFT मिंट कर सकते हो एंड बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हो। साथ के साथ दोस्तों यहां पर जो हमारा ईथर मेल का एयरड्रॉप था उसका यहां पर इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि TGE डेट जो है वो 12 जून होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को भी ज्वाइन नहीं किया, इस वीडियो को नहीं देखा ईथर मेल को, जाके जरूर से आप लोग ज्वाइन करना, भाई बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी बात करें मीमफाई का, तो आपको पता है यहां पर इनका मेगा ड्रॉप जो है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। इन लोगों ने बोल दिया है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और फाइनलाइज कर रहे हैं टोकन लिस्टिंग के रिलेटेड टॉप एक्सचेंजेस के साथ एंड इन लोगों ने यहां पर टॉप एक्सचेंजेस वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब बाइबिट या और बाइनेंस भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम मैं कह रहा हूँ बाइबिट पे तो लिस्ट हो गई होगा मीमफाई, ठीक है, एंड मे बी बाइनेंस पे भी हो जाए, क्या पता बाइनेंस के लॉन्च पूल में भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। बाकी इन लोगों ने टॉप एक्सचेंज यूज किया तो मैं यहाँ पर स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाइबिट पे लिस्ट हो सकता है एंड मे बी बाइनेंस पे भी। दोस्तों एक गुड न्यूज़ और है, हमारे चैनल पर 1100 सब्सक्राइबर फाइनली हो चुके हैं, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, धीरे धीरे इसी तरीके से ग्रो करना है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत ही जल्दी 2000 का यहाँ पर माइलस्टोन कंप्लीट कर लेंगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना सारी अपडेट के लिए, यहाँ पर भी अपनी कम्युनिटी बहुत अच्छी खासी ग्रो कर रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सारी की सारी अपडेट मैं सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ, इवन यूट्यूब वीडियो बनाने से भी पहले, तो जाके ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जो लोग भी एयरड्रॉप हंटिंग वगैरह करते हैं, पैसा जिसको कमाना चाहिए उसको जरूर से शेयर करना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।